श्री राम के तमाम जनता, और जहां तक ये आवाज पहुंच रहा है, मैं यहां से आप लोगों को अपना प्यार भेज रहा हूं। भाई बहनों, जनता, दो नौजवान लड़की एक फ्रांसमान, दो नौजवान लड़की एक फ्रांसमान, ये तीन लोग कल जमैका में गिरफ्तार हुआ है। ये तीन लोग जमैका में गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग जमैका से कोशिश कर रहे थे गयाना के तरफ जाने के लिए हवाई जहाज लेकर के, लेकिन उस समय जमैका के दीवाने जब ठीक रूप में नजर रखा इन लोगों पर, वे दो लड़कियों के पास ड्रियन नेशन तक डजन अमेरिकन डॉलर नगद पैसा था, सिर्फ 325 एसआरडी 150 यूरो और 50 जमैकन डॉलर दिखाया है दुआन के, लेकिन ड्रियन नेशन तक डजन ये लपेट करके और घुसेर करके कॉफर में और गयाना को ये स्मगल करने वाला थे। नॉर्मन मैंडली इंटरनेशनल एयरपोर्ट किंगस्टोन जमैका में, यहां पर हवाई जहाज गयाना की तरफ उड़ान करने वाला था, ये तीन लोग वहां गिरफ्तार हो चुके हैं। दो नौजवान लड़कियां, एक फ्रांसमैन, तीन लोग थे साथ, और इन लोग के पास $93,000 अमेरिकन डॉलर। जमैका जानना चाहते हैं कि ये सब पैसा कहां से, के देश है, के ऐखनार है, इसका मालिक के है, ये पैसा कहां मिला है, और ये पैसा ये लोग ने कैसे इन लोग के पास आया है। क्योंकि जब ये लोग ने जमैका में पहुंचा तो सिर्फ 325 एसआरडी 150 यूरो और 50 जमैकन डॉलर इन लोग के पास था, लेकिन जाते हुए समय $93,000 अमेरिकन डॉलर इन लोग के पास। अब यहां जमैका के सरकार जानना चाहते हैं ये दृश्य पैसा है विधवास, या कहां से ये पैसा अचानक आ गया है, क्योंकि जमैका के सरकार कहे अगर मुर्गी होता तो अंडा देते, डॉक्सी होते तो अंडा देता, लेकिन ये ड्रियन $93,000, ये दो लड़कियां कहां से लेकर के आए हैं। ये दो लड़कियां सूरीनाम से है, एक है फ्रांसमान, ये तीनों लोग वहां जमैका में गिरफ्तार हो चुका है। तरह तरह के चोर है सूरीनाम में मौसी, बहुत चोर हम बताए तो के, ये के सोचो ना चोर निकल गए। साउथ ड्रीन के जो ब्रोकी जो है, एक लोहने गोपल लोहा के था, साउथ ड्रीन जो ब्रोकी है, ब्रख जिस ब्रोकी से लोग गयाना को जाते हैं बोट में बैठ करके गयाना, ये लोहने जो था ब्रोकी के चोरी हो गया है। साउथ ड्रीन का लोहने लोइनिंग फन एंड ब्रख जो साउथ ड्रीन के तरफ जाता है, डाकुओं ने चोरी कर लिया है। ये एजरन लोहा के जो लोइनिंग है, और लोहा के जरूरी है, इसलिए डाकुओं ने इसको चोरी कर लिया है। उपमार व्यार का ये मामला आगे उन्हें सुख करेगा पुलिस के साथ निकेरी में, क्योंकि चौधरी निकेरी में है, और निकेरी या 7 साल से ये लोनिंग वहां पर था, लेकिन लोग ने चुरा ले गया है। बड़ी चोर है देश में काका, बहुत चोर हम तो अनेक अनेक प्रकार के चोर कहा बताइयो।
देखो भाइयों, किसी को बदनाम करना ठीक चीज नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, जो अखबार ने जिक्र की है और आगे चल करके जो कोर्ट कचहरी के बात है, उस पर हम लोग निगाह डालते रहते हैं। हम बात करने को जा रहा हूं एक्स मिनिस्टर सिगफ्रिड हेल्स के बारे में। एक्स मिनिस्टर सिगफ्रिड हेल्स के बारे में, एक जमाना जस्टिसिया पॉलिसी का ये मिनिस्टर था। इनके ऊपर जो कल मुकदमा चलाया गया है ट्वेड कांटोन में इन्हें 6 महीना की सजा सुनाई गई है और दर्द कांटोन में इन्हें 3 महीना की सजा रेख्त ने सुनाई है। क्योंकि जब यह मिनिस्टर रहा तो ये पैसा यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि आप जानते हैं, कोई तरीका से देश में पैसा लाया है, हमारा देश में पैसा ये लाया है जिसका कमाई जो है ये बता नहीं पाया है। लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, जस्ट मान द सेल्स तरफ, और दर्द काउंटर में 3 महीना की सजा मिला करके नीख मानदन सेल मिनिस्टर सिगफ्रिड हिल्स रेख्त ने फैसला लिया है हॉफ ऑन जस्टिसी में। हॉफ ऑन जस्टिसी की ये बात है, सिगफ्रिड हिल्स हॉफ ऑन जस्टिसी लेफ्ट द एक्स मिनिस्टर सिगफ्रिड हिल्स फॉर जस्टिसिया एंड पॉलिसी गिस्टरन इन टोटल 9 महीने सेल स्ट्राफ ऑफ। क्या बोलिए बप्पा, अब कुछ बोल सके आप लोग? ये बात है एक एक्स मिनिस्टर के बारे में ना? बहुत से पैसा के इधर से उधर, उधर से उधर हुआ है देश के अंदर में। देखो का अब आगे चल करके होगा, क्योंकि पैसा की कमाई जो है कहां से कमा के ले लो है, कम से कम वो सरकार भी जानना चाहते हैं ये कहां के पैसा है, ड्रग्स के पैसा है या कौन ऐसा पैसा है कि कमा ले लो है आप अचानक। ये सिगफ्रिड हिल्स इसका बयान नहीं दे पाया। 9 महीना सेल्स तरफ सिगफ्रिड हिल्स के लिए रेक्टर हथौड़ी कर मार दिया है। फिना बैंक एरो कामियोज का एरो शिकार अब नहीं करता है। फिना बैंक एक्सेप्टेड हिन एरोस फॉर कामियोज। आप तो जानते हैं सुरीनाम में, सुरीनाम से बैंक जो है सेंट्रल बैंक फॉर सुरीनाम, ये हमेशा कोई न कोई फैसला लेते हैं, फैसला सुनाता है। और फिना बैंक जब से सुनी इसे एरो के बारे में कि बैंक की विसल कंटोर और कांबियोस यानी डिफ्यूजन भेज सकते हैं यानी एरो, तब से फिना बैंक ने कहा तो अब हम एरो कांबियोस से नहीं खरीदेंगे। फिना बैंक एक्सेप्टेड हिन एरोस फ्रॉम कांबियोस। ये बात पता है, अखबार ने इसके बारे में जिक्र की है। प्यारे लोग, जनता, हमारे सुरीनाम की जनता, पता चला है कि एक मकान दाफत्सी मोन्स्ट्राट, एक मकान, उस मकान में डाकुओं ने घुस करके और मकान में चोरी किया हुआ है। मकान में चोरी हुआ है, इतवार की बात है। ये लोग घर में घुस करके डाकुओं ने, और जहां तक पता चला घर में जितनी गहना, जितनी पैसा ये डाकुओं ने चोरी करके निकल गया, उस समय घर में कोई नहीं था। अब देखो आगे चल करके सिपाही को कौन और सनेसा मिलता है। हमारे जनता, देखो अगर सब कोई जैसे कि जब सुनो यहां तो वहां, एक आदमी ने
एक खौत आपको बजरे जहां सोना खरीदता है, परमारीबू में खौत आपको बजरे। एक डाकू पिस्तौल लेकर के पहुंचा वहां, लगल चिल्लाए कि यहां सूत जाओ, वहां सूत जाओ, भाई बैठो यहां। एक मॉल के ऊपर है ये ना, लेकिन जब ये हल्ला दंगा सब कुछ मचाई बप्पा, समझे ना, ट्राली डेर जो है लोहा के वो न खुलल, बस ही भगा वहां से। अब भगा, भागते भागते नीचे एक ब्रोफिस खड़ा, कूद के बैठा, ब्रोफिस पर कूदल भाग गया, क्योंकि ये सोचे कि ऊपर सब खुलल है तो ये सब लूट करके चला जाएगा, लेकिन ट्राली लोहा के जो डोर है के मारी जो है न खुला उस समय, तो ये समझ गए इसकी ये गिरफ्तार हो सकता है, इसलिए वहां से भगा, भगा वहां से, बच गए वरना दगा भी सकता था। प्यारे लोग, हमारे सूरीनाम की तमाम जनता, भाइयों बहनों, जहां तक आप आवाज को सुन रहे हैं, मुझे ये बात आप तक भी पहुंचाना है कि दैक बोध के मामला, दैक बोध के मुकदमा कल शुरू हो गया है जज के सामने। दैक बोध के बारे में, यह दैक बोध के बारे में बातचीत होने लगा, रेक्टर दिनेश शिवरतन ये मुकदमा आगे लगा बढ़ाया, दैक बोध के बारे में बात चल रहा है, और एडवोकेट लोबो बोले जितना लोग गिरफ्तार है उनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुकदमा आगे बढ़ सकता है। रेक्टर दिनेश बोले नहीं, ये ऐसे बात नहीं है, 8 बेल्टलांस फरदाख्तन जो गिरफ्तार है इस मामला में, ये मुकदमा टाल दिया गया है तो 15 अक्टूबर, 15 तारीख अक्टूबर को ये दैक बोध के मुकदमा आगे बढ़ेगा। अभी तक 7 कोलंबियानन है एंड 1 कुबान, जैसा आप लोग जानते हैं इस दैक बोध का मालिक और कोई है, और कितने नाम जो लिया गया है सूरीनाम में, अभी तक सिपाही उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाया है। आप जाने हैं कि इस दैक बोध में 10,000 किलोग्राम सामान आप ट्रांसपोर्टेर कर सकते हैं, और इस दैक बोध का कीमत है 1.3 मिलियन, 1.3 मिलियन, और जैसे मैंने भी आपको समझाया है तो 8 लोग इस समस्या में गिरफ्तार हुआ है। ये दैक बोध जहां 10,000 किलोग्राम चीज आप ला सकते हैं, और रीबा के नीचे कौन चीज आप लइयो ले जइयो भैया, तो सब कोई तो जाने है कि कौन चीज के लिए ये दैक बोध लोग काम में लाया है। शर्मक्का में ये दैक बोध जहां सिपाही यहां जाकर के कंट्रोल करता है, बवाक करता है, जहां न टॉयलेट है, न ये न है, वो न है, सिपाही झरुआ में सूत रहा है, एक लंबा लंबा चोंच वाला मस्कीटा पहुंचे भैया खुर्रू खुर्रू चल करके, न तो सिपाही को तकलीफ वहां पर है। अगर ये दैक बोध सब खींच करके कहीं ला करके और कहीं बड़का ब्लॉकी जहां वहां बांध दे तो सिपाहियों को जंगल जाने की जरूरी नहीं पड़ेगा, जहां सांप गोजर और बाघ वगैरह सब मौजूद है न, तो सिपाही लोग बेचारे बड़ी मेहनत वहां करके पहुंच जाता, लेकिन अब रेक्टर को चाहिए दैक बोध को खिंचवा करके और जहां ब्लॉब्रिक है वहां बनवा दे, तो बवाकिंग है। सरनाम, सब लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि सरनाम के कर्जवा कैसे और के भरी, के भरी। अब बताएगा आपको कि स्टार्ट ट्वी जैसन 8 में कितना भैल जा करके, कि ये बतिया मांगे सुने सूरीनाम के तमाम जनता, सूरीनाम के तमाम लोग इस वक्त स्टार्ट मई महीना तक 2018 पैसा जो यहां वहां पर लोग उधार भी लिए हैं सब मिला उला करके 18 मिलियन 4 मिलियन 18 मिलियन 4 मिलियन वही पैसा होता कि तो के हम बताए 18 मिलियन 4 मिलियन ये पैसा भरे चाहिए अगले साल
ये साल भी जो बाकी है सब पैसा को भरे के चाही। ये 18 मिलियार्ड के बात है, 1-2 रुपया के बात नहीं है। भाइयों बहनों, सूरीनाम के पुलिस चीफ बोंच, सूरीनाम के पुलिस चीफ बोंच बीफे को एक ILP लगाने को जा रहा है। चिट्ठी वगैरह सब पहुंच गया लोग को। पुलिस चीफ बोंच बोले वेंसन पकेट 1 साल हो चुका है, ये मिनिस्ट्री पर यानी पहुंच गया, लेकिन मिनिस्ट्री के वजह से कोई खबर नहीं मिलता है कि ये पैसा लोग को मिलेगा कि ना मिलेगा। इसलिए पुलिस चीफ बोंच बीफे 26 जुलाई को एक स्पूत अलखमीन लेज फरखाजें लगाने को जा रहा है। श्री बैट कांतोर में चोरी हुआ है। होप इंस्पेक्टर हेम्फ्री नार्गन इनसे पूछा गया तो बोले ये सही बात है, डक से आखते से है, डक डक पर खड़ा हो करके गई है, डाक उखाड़ करके भीतर गई हैं, और भीतर जब पहुंचा कासा लगे उतरा तो वहां 8,000 SRD 100 यूरो इतना चोरी करके भाग गया है। 8,000 SRD एंड 100 यूरो, तो ये पैसा डाक उखाड़ करके डाकुओं ने भीतर गया है और श्री बैट कांतोर में चोरी हुआ है। हमारे प्यारे लोग जनता साहेब, यही मोहम्मद के ऊपर कुछ डाकुओं ने हमला किया है। लोग ने कहते हैं 10 रूफर्स था, 11 अप्रैल के बाद है, इन पर हमला किया, इनकी सामान चोरी करने लगा, नहीं? इनका फ्रेंच टाउन जो है, फ्रेंच टाउन वहां पर 10 लोग जाकर के इनके सामान चोरी करने लगा, इनको पकड़ लिया, इनको मारने लगा वगैरह वगैरह, और इनको जान से मारना चाहा, ये ने चिल्लाई से, और कुछ जनता भी मदद किया तो लोग इनके छोड़ के भाग गया। द मैन इन जॉर्जन ऑफ 12 अप्रैल वेयर ऑफ द लोकासी सेंट फ्रीज ऑफ फ्रेंच स्टील एंड हेवन मोहम्मद दारबे स्टील बकूखल, ये मुकदमा जा रहा है जज के सामने, और फिर 14 अगस्त को फिर बहादुर होगा, क्योंकि यही मोहम्मद कहते हैं कि डाकू ने इनका माल लूट करके इनका हत्या करना चाह रहा था, लेकिन अब ये मुकदमा जज के सामने पहुंच गया है। NDP में हींचातानी हो रहा है। एक भैया के नाम है इमिलियो लेंस, बोले कि डाकुओं लोग है NDP में, डाकुओं ने चोर चपाती लोग है, और ये लेंस के कहता है कि हम चाहते हैं कि डाकुओं गिरफ्तार हुआ हो या किया जाए वगैरह वगैरह। एडवर्ड बेलफोर क्या बोल रहा है? एडवर्ड बेलफोर बोले कि लेंस और पिके एक सिनेरियो है, एक कहानी बनाएं ये लोग, एक कहानी है कि ये दोनों ने हल्ला दंगा मचाई से कि NDP के यौगन जो है वो डाकू है, चोरी की है, लूट मार की है वगैरह वगैरह, उन लोगों को हटाया जाएगा जहां से कुर्सी से। तो एडवर्ड बेलफोर कहे कि एक कहानी है, और ये कहानी जो बनाया हुआ है, एडवर्ड बेलफोर कहते हैं कि NDP का फोर्सेटर डीसी बोथर्स इस कहानी को तैयार किया है, क्योंकि सब नौजवान इस परते छोड़ के भाग गया है, तो ये कहानी कि नौजवानों अब ये चाहते हैं कि नौजवान जो वहां पर कुछ पैसा वगैरह चोरी चपाटी की है उनको कुर्सी से हटाने के लिए, एडवर्ड बेलफोर कहते हैं एक सिनेरियो है, एक सिनेरियो, ये सिनेरियो आप इससे तो नहीं बच के रहियो। आप पार्लियामेंटारियन एडवर्ड बेलफोर सेफ इस सिनेरियो ऑफ सैडोर NDP फोर्सेटर टीफन प्रेसिडेंट इसी बहुत से निमान मुच इन दीज रोमल खान त्रपन सेफ बेलफोर बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ बप्पा है, ऐसे बात है। प्यारे लोग, एक मॉन्टेर के ऊपर मुकदमा चल रहा है, मुकदमा क्योंकि 8 लोग इन पर मुकदमा चलाया है, 8 लोग के काम ये ठीक से नहीं की है,
आठ लोग के काम नहीं किया है, इन लोगों के साथ मेहमानी की है, सब मिला करके 20,000 होता है। एक मॉन्टियर डेरक डेरक एबी हेफ सीकर 8,000 क्लांटन डेंशनल सूरीनामस डॉलर लिखतर खमार। ये 20,000 के बात है। ये 14 अगस्त को ये मुकदमा फिर जज के सामने होगा, क्योंकि डेरक के ऊपर ये इल्जाम है कि 8 क्लांटन को ठगे हैं, उनका कितने के सवारी बेच दी, कितने के पैसा ले करके काम नहीं की, कितने के सामान निकाल करके बेच दिया। 20 दर्जन की ये बात है इस मॉन्टियर के बारे में कि मॉन्टियर बेईमान निकल गया है और इस पर मुकदमा चल रहा है। सूरीनाम के तमाम लोग, भाइयों बहनों, जनता, आज की बात है कि आप सुने होंगे एक लेन ब्रिश कैनेडी व्यक्त पर था, टोरोपीना ब्रुख जहां है, यह गाड़ी वहां उलट गया है। एक लेन ब्रिज उलट जाने से 20 लोग जो ब्रिज में था घायल हो गया है। सब ज्यादा से ज्यादा स्कूल के बच्चे थे। ये बड़ी स्नेल है, इससे गाड़ी को चलाया है। कैनेडी व्यक्त जहां टोरोपीना ब्रुख है, ये लेन ब्रिज बहुत स्नेल है, इसे चलाई और ये गाड़ी उलट जाने से सबको उठा उठा करके इस्ट हेल्प एम्बुलेंस के जरिए, यानी इस्ट हेल्प को पहुंचाया गया है। लड़कन मरे से बच गया है और पता चला कि लाइन बेस का एक फरफालन रही बेस, इनका रही बेस यानी कि फरफाल दातम का बिन पास हो गया और ये रही बेस फरलैंग नहीं करवाया। इसका मतलब यह है कि जिसका फरफाल रही बेस, उसका मतलब यह है उनके पास रेल व्यवस्थ नहीं था। ये शोफेयर को बंद कर सकते हैं सिपाही, क्योंकि 20 लड़कन ज्यादा घायल हुआ है। इन सब को उठा करके स्पुत एशन हेल्प एम्बुलेंस के जरिए स्पुत एशन हेल्प को पहुंचाया गया है। ये लाइन बेस का शोफेयर के पास रेल व्यवस्थ, असली रेल व्यवस्थ ठीक नहीं था। अब आगे देखो क्या बात करते हैं सरकार सिपाही। भैया जिन जनता, ये बात बहुत सब सवाल करते हैं, एक ही सवाल कि जो पैसा दुआन बसलाख में लिया है न्यूजीलैंड में, दुआन जो बसलाख में लिया है, वहां के दुआन जानना चाहते हैं कि इस पैसा का एखनार के है, ये पैसा कहां से कमा करके ले लो है। ये पैसे के बारे में खली बात है, अभी तक कोई आंतोट नहीं दे पा रहा है। फन वी इस खेल्ट, सब यही सवाल सेंट्रल बैंक को बताना चाहिए, ये पैसा कहां से आया है, के कमा करके कहां भेज रहा था, और 4 मिलियन के बाद में फिर ये पैसा के बारे में काका सरकार को बताना पड़ेगा कि ये दृश्य के पैसा है या कौन पैसा है। अचानक होलांड में कैसे इतना पैसा, 3.5 मिलियन और फिर 4 मिलियन यूरो के बात है। अब न्यूजीलैंड को भी बताना चाहिए कि वो पैसा किसने स्टोर किया है, किसके नाम पर। 45 साल का राकेश कुमार एर सोमवार को पुलिस लिफोर्नो का पुलिस राकेश को ले जाकर के बंद करी है। जब ये राकेश गांजा खींचत है, दृढ़ खींचत है, तो इनका मोरी बिगड़ जाता है। अपने मैया को धमकी देते के काट के तो कम फेंक दे, ओ बद्रे से मुदर मेद दोच। राकेश को ले जाकर के सिपाही बंद किया है। 45 साल का राकेश कुमार एर इस मांडा दौर द पुलिसी फाली फॉर द इनखस्लोटन वीकस बदरेकिंग बदरेकिंग और केकर बदरेकिंग मुदर मैं द दोच। जब दारू पियत है, गाजा खींचत है, इनका मोर एकदम खराब हो जाता है, तो ये मैया को काटने लगता है।
गजब की बात है काकी, बड़ी गजब की बात है कि लंदन ये दारू पी करके, गांजा खींच करके, ड्रग्स खींच करके इन लोगों का मूड खराब हो जाता है। रिचर्ड कल्लू के मूड अच्छा है, लेकिन एक बात हमेशा वो कहते हैं, कहता आपसी वैसे बल्लांत इन द खूब फान स्वर्कन स्टार्च कल्लू रिशाद कल्लू समझेगा पॉलिटिक्स सूरीनाम हिज लास्ट फन एंड कल्चर शॉक। ये इंजीनियर रिशाद कल्लू लोगों से बात करने करते हुए कहा है कि सूरीनाम वैसे बलांत इन द ग्रुप फॉर स्वर्कन स्टार्टन स्वर्कन स्टार्टन। अब क्या बात है सूरीनाम की जितनी इकोनॉमी की बात है, हम लोग हमेशा एक ही बात करते हैं कि सूरालको खत्म तो दो ये तो वो, भाई बहनों सूरालको तो खत्म है, ये है सूरालको अपना जो फैब्रिक है एक एक स्क्रूफ अब वो निकालना खोल खोल कर निकाल रहा है, समझे ना, वो के बोले है अंत मांतलन, सब खोल खोल करके फैब्रिक के सब निकाल करके अमेरिकन जो है ना वो सब अपना चीज ले जाएगा, अंत मांतल कर रहे हैं जो सूरालको के, अब आपको भूल जाना चाहिए। हम कहते हैं कि बाखेस जहां है वहां पर बहुत से बॉक्सिट है, अलैन आर्द है, लेकिन आजकल ये अमेरिकन जो है ये लोग को कहीं आसपास अमेरिका के कहीं मिल गया है, ये लोग को सस्ता मिल गया है, तो ये लोग वहां से अलैन आर्द अल्यूमिनियम को निकालते होंगे, अब वो सूरीनाम से नहीं निकालना चाहते हैं। अच्छा सूरीनाम के जितने बड़के बड़के बदरेफ है सब बदरेफ इस वक्त बंद है, जैसे आप जानते हैं गयाना में 11 शुक्रू परनासी है, गयाना में 11 शुक्रू परनासी है सैक्र प्लांटास एंड सैक्र फैब्रिक, वो लोग करेबिस खबीज भर शुक्रू सैक्र एक्सपोर्टेड करते हैं, गयाना शुगर, गयाना शुगर, गयाना के लोग जो और तरह तरह के पिए के चीज है एक्सम रिम वगैरह सब वहां बनते हैं, वो दनादन एक्सपोर्टेड होता है। हमारा जो ब्रेन सेल पहले के हम लोग ट्रिक प्लस प्लांट बनवाते थे, बनाते थे ट्रिक प्लस प्लांट यानी ब्रेन सेल बनाता था, गयानीस आकर के देख करके गया था बर्नहम के जमाना में, वो लोग फैब्रिक को बनाया है गयाना में और आज गयाना में ट्रिक प्लस प्लांट बनाया जाता है, मल्टीप्लेक्स ट्रिक प्लस प्लांट और बहु पकेटन एक पूरा घर के पकेट जैसे हम लोग बनाते थे अब गयाना बना रहा है। भाइयों बहनों हम लोग के ब्रेन सेल फाइट, सूरालको फाइट, ब्रेन सेल फाइट, शुक्रू पन्नासी फाइट, हम लोग के धान के कारोबार जो होता वाखरिंगन में वो तो समझ जाओ कि 50% 60% वो भी फाइट है। जितना बड़े बड़े फैब्रिक रहा जो सामान को हम लोग को एक्सपोर्टेड करना चाहिए वो है धान चाउर तेल लकड़ी बकुआ और कितनी चीज जिससे हम लोग के देश से पैसा आएगा, जिस पैसा से हम लोग अपना देश के कारोबार कर सकते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए सरनाम की सरकार को चाहिए जनता को मौका बना करके फैब्रिक उनको खोल दे ताकि वो सामान यहां से एक्सपोर्टेड करे जहां इस देश के अंदर में ब्लास्टिंग आ रहे। लेकिन भाइयों बहनों ये नहीं हो रहा है, इसी बात ये भैया कल्लू ने कहता है वैसे बलांत इन द खूफान शुरकन स्टार्टन, समझ ले भैया, देखो का हुए आगे चल करके ये बड़ी मुसीबत की बात है। एक मिनिस्टर जो हॉलैंड का है इसका नाम ब्लॉक मिनिस्टर फॉर बेल्टलैंड से साक स्टेफ ब्लॉक सन्नान के बारे में जो कहा फाइल स्टेट अब तो माफी मांगी है, लेकिन सन्नान की सरकार ब्लॉक के माफी से सहमत नहीं है,
Suriname neemt geen genoegen met Power Excuse Blok. Patane heki, tontarika se, is minister komafi mangna chahiye. Kitne minister hai, jo chitthi par kah dete ki main use maaf kar do, jo baat maine kaha, maine galat kaha, wagara wagara. अब ये मिनिस्टर को कैसे माफी मांगना चाहिए पता नहीं है, क्योंकि हो भी सकता है कि इस मिनिस्टर को भी जनता से भी माफी मांगना चाहिए। हमारे देश के जनता, ये तो माफी की बात है कि ये मिनिस्टर सरनाम के बारे में कहा कि सरनाम के जनता अलग अलग कौम से आया हुआ है और यहां पर हमारे देश के जनताओं में एक अच्छा संबंध नहीं है और इसी कारण से सरनाम एकदम से टूट करके छितरा गया, बर्बाद हो गया, ये मिनिस्टर ने कहा। तो इसीलिए जब हम लोग के देश 5 स्टेट्स है तो इसके लिए इसको माफी मांगना चाहिए। लेकिन माफी और चीजों के लिए, कोलोनियल लीकर के बात अगर हम करेंगे तो कोलोनियल लीकर को हमारे देश के सरकार से, देश के जनताओं से माफी मांगना पड़ेगा। हम बात करेंगे जो 16 हिंदुस्तानियों को कोलोनियल लीकर गोली मार करके मारी मेड़क में दफन कर दिया। अभी तक वहां के सरकार, न्यूजीलैंड के सरकार, अब तो समझ जाओ कि वो सब सूरीनामर्स हो चुका होता, हम लोग उनके बाल बच्चे हैं, तो हम लोग से माफी उनको मांगना चाहिए। जो 16 लोग को हत्या किया, कितने बाद में मरा है, कितने बाद में मरल है सिकंदरिश में, तो बहुत से लोग का मौत हुआ है जो कोलोनिया लेकर इन नीह तस्खोतन गोली चलाया और कितना लोग के मौत हुआ। वो भी हॉलैंड की सरकार, हम लोग से माफी मांगना चाहिए। वो भी है एक्सक्यूज या कैसे माफी, क्योंकि वो जो सरनाम, वो अब आज हम लोग जितने लड़के हैं उनकी लड़का है ना, तो हम लोग से वो हॉलैंड की सरकार को चाहिए भी माफी मांगने के लिए। न खाली यही जो भैया ब्लॉक ने कहा कि सरनाम फाइट है तो वगैरह वगैरह, तो माफी मांग, माफी भी मांगो जो आप मार करके जनता को और मारी मेरक में दफन कर दिया है, वो भी माफी है, उनको भी माफी मांगना चाहिए। उन लोग को माफी मांगना चाहिए जो यहां सलाफर नहीं गुलामी करवाए हैं, उनसे माफी मांगना चाहिए। तीख फरीद सलाफर नहीं फंसूरी नाम, उसे भी माफी चाहिए मांगे के, जो हॉलैंड को ढंग से चाहिए माफी मांगे के। एक दिन खाची और नलाई रिफा देसी बहुत से प्रेसिडेंट, वो इलाका कमवेन में कल था, ये तमारेजो की तरफ भी पहुंचा और वहां प्रेसिडेंट से लोग बातचीत किए हैं कि वहां सब लोग एक फिलियाल चाहते हैं, स्टार्सिक फोन्स का एक फिलियाल। एसएफ का डायरेक्टर रिक क्रोमोदी हार्जो भी इसी दिलखासी में था, बातचीत हुआ वहां पर भैल और डायरेक्टर तुरंत लोगों को वहां श्री बौद्ध के साथ जो मौजूद थे उन लोगों को वादा दे दिया है कि तमारेजो में एक कांतोर बहुत जल्द खुलने वाला है, एक फिलियाल फान है स्टार्सिक फोन्स तमारीजो में। देशी बहुत से देश का प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एसएफ रिक क्रोमोदी हार्जो वहां जनताओं को बलूफ कर दिया कि बहुत जल्द तमारीजो में एक फिलियाल खोला जाएगा एसएफ का। जनता वहां बहुत खुश हुआ इस बात सुनकर के। आगे चल करके तरह तरह के बात वहां हुआ है और जाम के बारे में, सड़क के बारे में कि वो को आसफल्टेर करना चाहिए और तरह तरह के बात वहां हुआ है। और प्यारे प्यारे लोग सूरीनाम की तमाम जनता, सुशाल साके के बारे में जिक्र की है, वो भी एसएफ और सुशाल साके के बारे में। आगे चल करके
है शास्त्र इनके बारे में, बासर पर सीकर दम के बारे में इलाका को मैंने की जनताओं से बातचीत की है। तो देखो बहुत से बात वादा करके आया है और ये कब तक वो सब तैयार हो जाएगा। सिपाही नारकोटी का ब्रिगेड मंगर को सबसे पहले कारताराम स्त्रात में जाकर के छापमारी से, जहां 4 लोग को गिरफ्तारी हुई है, इन लोग के पास गांजा मिला है एंड कोकाइन। लातूर में जाकर के बकरई एक बवाकर को गिरफ्तार किया है, इनके पास भी दृश्य था गांजा और कोकाइन, सिपाही उन्हें ले जाकर के भी बंद किया है। मिलाकर के 5 लोग को कल, जिन लोगों के पास गांजा और दृक्ष और दृक्ष था, इन सबको गिरफ्तारी की गई है और इन सबको ले जाकर के सिपाही बंद किया है। प्यारे लोग, ऐसे करके तरह तरह जगह पर जहां पर गांजा और ये सब चीज होता है, सिपाही वहां जाकर के लोग को गिरफ्तार करते हैं। प्यारे लोग, जनता सब लोग एक ही बात के सवाल करते हैं, जैसे पालू के फोर्सिटर भी, कि कहां है 20.5 मिलियन यूरो, ये पैसा को सरनाम में लाना चाहिए। सरनाम में सब एक चीज जानना चाह रहे हैं, बोले कि जो ब्लॉक के बारे में सब कहते हैं, ब्लॉक स्टेफ ब्लॉक, क्योंकि माफी मांगना चाहिए, माफी छोड़, माफी अब जरूरी नहीं मांगने के लिए। नई जवान की सरकार 3.5 प्लस 4 मिलियन 3.5 मिलियन ये पैसा सन्नाम को वापस दे दे, यही सन्नाम की सरकार चाह रहा है, और बाकी माफियों की उस पर ध्यान रखने के जरूरी नहीं है। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास 15 जुलाई के बाद है कारों स्त्रात में, 22 साल का क्लीमन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एक पास 6 डोजन यानी डयस मिला, 3 ऑटो बैटरियन, 5 पैक बेबी राइस मिल पैक, ऐसे ऐसे ढेर चीज है जिस सामान का ये बता नहीं पा रहे हैं कहां ये खरीदी से और ये केकर है। तो सिपाही इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। हैंक आरोन स्ट्राट की ये बात है, 22 साल का ऑटोबस ट्यूडर क्लीमन सी इस आंखोजन। प्यारे लोग, सूरीनाम के तमाम जनता क्वार्टर में भी आप सुने हैं कि एक 22 साल का ऑटोबस ट्यूडर डैनियल पी इतना जोर से गाड़ी चलाया है कि यह तोड़ करके उसको उखाड़ दिया, वो को उखाड़ करके बाद में जा करके एक जहां एक सुपर मार्केट है वहां जाकर के गाड़ी रुका है, तीख एंड विंकल पांथ सब टूट फाड़ दारी से, और ये आदमी का नाम है डैनियल पी, 22 साल का डैनियल पी। लेकिन दूसरा आदमी जिसकी कारण से ये आरएनए हुआ है, वो का नाम है दीपक का भी ठीक से गाड़ी नहीं चलाया, इसी वजह से ये डैनियल पी का गाड़ी सब उखारत पुखारत गई से और एक विंकल पॉइंट में जाकर के रुका। इसलिए सिपाही दोनों को गिरफ्तार किया है, डैनियल पी को गिरफ्तार भी की है और दीपक का को भी गिरफ्तार किया है। दोनों शराब पिए हुए थे। बेड बस्ट्यूडर्स डी एन बसेट से इंफान रेबेस हैवन ऑन द इनफ्लुट फॉर अल्कोहल डील खरूमन आने फॉर केयर Rijbewijzen of rijbewijs is hangende het onderzoek door de politie ingevorderd. Dieper die als veroorzaker van het verkeerongeval is aangemerkt, werd ter ontnuchtering en daarna voorgeleid en daarna opgesloten. Bija de klokkaba bij. Bhaiyo bhaiyo, deze abloot jante het ki kus samay se politiek partijen अपना टेलीविजन अपना रेडियो स्टेशन उद्घाटन किए हैं। जही के सुनो टीवी है, जही के सुनो रेडियो है वगैरह। हम लोग को पता चला है कि नेशनल पार्टी सूरीनाम
अपना टेलीविजन और रेडियो 13.1 एंड 9.1 एफएम पर प्रोग्राम चलाने लगा है। एनपीएस नेशनल पार्टी सूरीनाम, इनका टेलीविजन और इनका रेडियो प्रोग्राम होने लगा है, क्योंकि नेशनल पार्टी सूरीनाम जैसे आप जानते हैं अब से अकेले ही चुनाव में जा रहा है, जैसे हर एक पार्टी ऐलान किया है, लेकिन नेशनल पार्टी सूरीनाम शायद अपने फ्लूकर के नीचे अपने नीचे कुछ पार्टियों को मौका देगा, लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी कार्यकर्तासी होना चाहिए। 25 तारीख जुलाई यानी आज और 13 जुलाई को करेक्सराज सेटिंग होने को जा रहा है, आज हो चुका है और 13 जुलाई को भी रहेगा विल्फिंग स्ट्राट, इसी वास्ते से वो रास्ता बंद हो जाएगा, सिपाही रास्ता को बंद कर देगा, क्योंकि यहां आखिरी समय प्रोसेस के बातचीत चल रहा है। वह अफ्सलोटिंग फन वीक करेक्सराज सेटिंग जैसे आज हुआ है और 13 जुलाई को ये फिर से होगा, 13 जुलाई को करेक्सराज सभा या करेक्सराज सेटिंग फिर से होगा। आप तो जानते हैं आखिरी समय प्रोसेस अभी तक जारी है, उसके बारे में अभी तक जिक्र हो रहा है। हमारे सूरीनाम की तमाम जनता, ये यूनी महीना है, यूनी महीना के बाद में आप जानते हो ऑगस्टस महीना आ रहा है, 9 ऑगस्टस को इन हिमसन दाखदर इन हिमसन और ये फांसी मिखराची दाख है, नेशनल फीस्ट दाख है, और फिर जाकर के ईदुल अधा रहेगा ऑगस्टस में, अभी तक पता नहीं कौन सा दातम, लेकिन वो भी एक नेशनल फीस्ट दाख रहेगा। तो 100 अगस्त में 2 दिन रहेगा नेशनल फीस्ट दाख, भाइयों बहनों दो दाख नेशनल फीस्ट दाख रहेगा, एक है हिमस के लिए और एक है ईद उल अधा, वो भी आप सुनते रहना रेडियो रापार के जरिए। भाई बहनों, ये जुड़ी और अगस्त महीना में आप तो जानते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्जाम बनाना पड़ता है, एग्जाम बना रहे हैं, कितने बच्चों सलाख होंगे, कितने बच्चे नहीं सलाख होंगे और कितने को हेयर कांस मिलेगा वगैरह वगैरह। तो मैं बच्चों से बात करूंगा, देखिए भाइयों लड़कन, कभी कभी हाफ पॉइंट एक पॉइंट से आप शायद अफकोवी से हो जाएंगे, एक का मतलब यह न है कि आपको हिम्मत छोड़ देना चाहिए, नहीं, आपको फिर से कोशिश करना चाहिए लड़कन, क्योंकि बगैर डिप्लोमा से आपका कोई इज्जत न रहेगा सन्नाम में। देखिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जो लड़का के पास डिप्लोमा नहीं है उनका कोई इज्जत और कदर नहीं करेगा। आप लोग कोशिश करके स्कूल के डिप्लोमा हासिल करो, वही डिप्लोमा आपका हर एक समस्या हल करेगा। जिनके पास डिप्लोमा नहीं है वो छोटे छोटे काम पा सकते हैं, लेकिन बड़ा काम आप नहीं पाएंगे। आप लड़कन है, आप कोशिश करके पढ़ लो, आपका माँ और बाप आपके लिए इन्वेस्टेयर कर रहा है, वो इन्वेस्टेयरिंग के कारण से आप पढ़ेंगे, डिप्लोमा होगा, बड़े होंगे शादी विवाह करेंगे और उसके बाद घर द्वारा बनाएंगे, सवारी खरीदेंगे, ये करेंगे, तो आपको पैसा की जरूरत पड़ेगा। मैं उन बाप और माँ से बात करने जा रहा हूं जो आंख मूंद करके पैसा लुटा रहा है। देखिए हमारा सूरीनाम के पैसा के ताकत धीरे धीरे घट गए हैं। सूरीनाम पहले जो हमारा कोर्स रहा द्री सोफिल, आज है सेफ सोफिल, वो का मतलब है कि तुम्हारा पैसा के ताकत गिर पड़ा है, सस्ता सामान आप खरीद नहीं पाएंगे, सस्ता सामान है ही नहीं, सब चीज महंगा हो गया है। कोशिश करो जो कमाई है आपका हर एक महीना उसमें कम से कम उसका 20-30% पैसा जमा करने के लिए, 100% 70% खर्चा कर दे लो और 30% पार करो, कहीं तुम्हें मुसीबत में तुम्हें बहुत सहायता देगा। ये सब पैसा
दूसरों को मत देख देख करके करना कि दूसरों हर एक महीना हर एक साल गाड़ी बदलता है, ये करता, आप वो नहीं करना। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप खास करके अपना हिसाब किताब जो है, खर्चा जो है, उस पर ध्यान रखियो, क्योंकि तुम्हें बहुत से मुसीबत में डाल देगा जब तुम्हारे पास कुछ दौलत नहीं रहेगा। जब तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो उन लोगों के पास भी नहीं रहेगा, तो एक मतलब है कि आपके कोई सहायता नहीं दे पाएगा। इसलिए कोशिश करके कुछ पैसा जमा करो, कुछ रखो, न सब खर्चा करो कि हर एक समय तो डोक्सा तुम्हें चाहिए गिलावे के, तुम्हें विस्की चाहिए पिए के, और तुम्हें घूमने के चाहिए, और बार बार यहां जाओ वहां जाओ, ये सब चीज से तनी दूर रहो। भाइयों, आप लोग तनी हिसाब किताब जो है ना अच्छा से करियो, कुछ पैसा हमेशा बहिन्ना के सलारस के कुछ पैसा अपने बैंक में छोड़ देना, वो आपको हर एक मुसीबत में बचाएगा। और खा पी के नचनिया के लेकर के नाच उच करके सब पैसा लुटा दियो तो ना ऐसिक होइयो और ना ऐसिक होइयो। आप लोग को मैं यही सब बात समझा सकता हूँ। बच्चों जो सलाह नहीं होते हैं, हिम्मत नहीं हारना, फिर से कोशिश करो, जा करके स्कूल में डिप्लोमा हासिल करो, वही डिप्लोमा आपको बचाएंगे इस देश के अंदर में। एक दिन आएगा जब हम लोग के देश में खाली डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगा, और अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपका कोई इज्जत नहीं रहेगा। जितने स्कूल है, स्कूल में आप हमेशा पढ़ने की कोशिश करो तुम्हें, और देखो कितना नौजवान और कितनी संग साथी रोजाना आप रेडियो सुनते हैं ना कि उनका मौत हो गई है, उनका दाह संस्कार होगा, उनका मृत्यु हो गई है, ये सब बात आप सुनते होंगे ना। तो अगर आप इस सब चीजों से आप लोग को कोई ऐसा सबक नहीं मिलता है और आप कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ देखना नहीं चाहते हैं, कुछ समझना नहीं चाहते हैं, तो आप जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। देखो कितने लोग कोई बीमारी से, कोई घटना से, कोई ऐसा मुसीबत से उनको दुनिया छोड़ना पड़ता है। रोज कोई न कोई परिवार, रोज न कोई संग साथी हम लोग को छोड़ के जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप लोग जो करना है ठीक से करो, अच्छा से करो, अच्छा से करो, मजबूत से करो, ताकि तुम्हें बाद में पछताना नहीं पड़े। अच्छा से रहियो, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।